नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। तो आज आप लोगों के लिए मिलाई हूँ यहाँ पे लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है, थोड़ा सा लेट वीडियो दे रही हूँ यार, थोड़ा सा नहीं बन पाई थी वीडियो। ठीक है, तो RRB PO और क्लर्क दोनों की स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट मिनट टिप्स हैं, एग्जाम कैसे अटेंड करना है, एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, RRB मतलब रीजनिंग में 40 मार्क्स कैसे मतलब करें कि RRB क्लर्क में तो हमको 80 टारगेट करके चलना है, PO की बात करें तो हमको 55 प्लस टारगेट करके चलना है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल में बने रहिएगा, सेशन में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू आए हो तो। ठीक है, चलो। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ। एक बहुत ही बड़ा मेगा कॉम्बेट होने वाला है 29 अगस्त को। वैसे तो हर हफ्ते हर संडे को 10 बजे एक अनअकैडमी कॉम्बेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बैंक का एक मेगा कॉम्बेट है, जो कि मेगा कॉम्बेट है 29 अगस्त को होगा, जिसमें 1000 लक्की विनर्स को, ठीक है, 1000 लक्की पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटेड गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जिसमें एक आपका आईपैड रखा गया है, एयरपोर्ट रखा गया है, JBL का स्पीकर है और अमेजोन का वाउचर है। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन है, 75%, 50% और 25% का स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज कर पाओगे। बस आप जब इसको एनरोल करो तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना, DIVYAYT10। अगर हम बात करें एनरोल कैसे करोगे, तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करना वहाँ पर। वहाँ से क्लिक करके अनअकैडमी कॉम्बेट ओपन हो जाएगा, एनरोल हो जाएगा और आप कोड यूज़ करके एनरोल कर पाओगे। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करेंगे RRB PO क्लर्क की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है ना, उसकी बात कर लें। सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे एडमिट कार्ड देख रहे होंगे, दिस इज माय एडमिट कार्ड। आप लोगों को मैं सेंटर बता देती हूँ, जिससे कि अगर कोई भी मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो प्लीज़ पिंग मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल दीजिएगा कि मैम हमारा भी इसी सेंटर पर है, या आप आगरा आए हो तो मैं कोशिश करूँगी आपसे मिलने की। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट है, दैट इज़ 10:15 और संडे, मतलब कि कल का पेपर है, तो डेफिनेटली मैं आपको एक लाइव रिव्यू देने वाली हूँ। सेंटर पर पहुँचने से पहले भी मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगी कि भाई एग्ज़ाम चल रहा है। अब आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या करना है। पहली जो चीज़ है वो है आपका एडमिट कार्ड, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ में 2 फोटोज लेके जानी है। अब फोटोज सुन लो मुझसे जरा, एक फोटो तो जो है यहाँ पे प्रिंट होगी, ये वही फोटो होगी जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे लगाई होगी, फिल करने के टाइम पे। एक फोटो बोला गया है एक्स्ट्रा रख के लाना, मैं आपको बोलूंगी भाई 2 एक्स्ट्रा रख के ले जाना, एक को ऑलरेडी फिक्स कर लेना और 1-2 एक्स्ट्रा रख लेना, टोटल 3 रख लो। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है। ठीक है, जिसमें एक चीज़ है, राशन कार्ड और लर्नर का ड्राइविंग लाइसेंस शायद अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो आई सजेस्ट कि आधार कार्ड ही लेके जाइएगा आप लोग, बेस्ट रहेगा कि आप आधार कार्ड लेके जाओ। ठीक है, इसके अलावा इंक स्टैम्प पैड, ये क्यों मंगवा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है। ठीक है, आप जैसे कि देख रहे होंगे ये रहा कैंडिडेट के सिग्नेचर है, ये नहीं, यहाँ नहीं है, आपको जहाँ वहाँ करवाएंगे वो देखने को मिलेगा। तो यार ये आपके प्रिकॉशंस के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आप दूसरे का यूज़ ना करके अपना स्टैम्प पैड यूज़ करो, जिससे कि आप एकदम सेफ रहो। ग्लू आपको पता है वो फोटो फिक्स करने के लिए, और इसके अलावा आपको एक मास्क जो कि मैंडेटरी है, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपको लेके जाना है, इतनी चीज़ें। अब सैनिटाइजर हो गया, पानी की बोतल हो गई, ये सब आपके ऊपर है, आप रख लो, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी वो चीज़ें जो आप लेके जा सकते हो, जो कि एडमिट कार्ड में लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़, भाई गर्ल्स हो, ठीक है, तो प्लीज़ कोई पिन मिल लगा के मत जाना, क्या फ़ायदा, वो पिन फेंक देंगे। तो बालों के अंदर कोई पिन नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी पिन, हेयर पिन कुछ भी यूज़ मत करो। ठीक है, नॉर्मल आप और कुछ है, मतलब और दूसरी चीज़ बॉयज़ के लिए, आप शूज़ पहन के मत जाओ यार। शूज़ पहनने के बाद ना आपको कम से कम 2-5 मिनट ख़राब करने पड़ते हैं टेस्ट चेक करवाने में। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल आप स्लीपर्स पहन के जाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम कोई शादी में जा नहीं रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं हमको पूरा बन ठन के जाना है, हम नॉर्मली जा सकते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग यार, नॉर्मल आपको बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ध्यान से रख लेना। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड में आपको ये देखने को मिल रहा होगा हैंडराइटिंग सैंपल, तो गाइस ये आपको घर से नहीं फिल करना है,
ये स्क्रीन पर होगा, मतलब कि जब आपका एग्जाम ओपन होके आएगा ना, तो वह स्क्रीन पे एक लाइन बनी आई होगी, वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है कि आपने क्या अटैच किया है, आधार कार्ड अटैच किया है, यहाँ पे उसका नंबर डालना है, आपके सिग्नेचर है, बस इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक और चीज गाइस, जो आपका ये एडमिट कार्ड है ना, वो सबमिट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं सबमिट किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी की वजह से ये सबमिट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर एग्जामिनेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कीप दिस कॉल लेटर सेफली अलोंग विद कॉपी ऑफ अटैच फोटो आईडी प्रूफ एंड ब्रिंग बोथ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ मेन एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, तो मेंस के टाइम पे ये आपसे प्रीलिम्स का कॉल लेटर फिर से मंगवाएंगे। ठीक है, जो कि ये ऑलरेडी मतलब स्टैम्प करेंगे वहाँ एग्जाम ऑफिशियल्स के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ केवल स्टैम्प लगेगी, आपको अब की बार एडमिट कार्ड सबमिट नहीं करवाएंगे, ये आपको वापस रिटर्न कर देंगे, मेन्स के टाइम पे आपको लेके जाना है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये आपको फिल करना है। जैसे वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, ये सब लिखा हुआ है, तो आप टिक कर सकते हो। अगर आपको कफ, फीवर, थ्रोट की प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी एच, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रॉन्ग टिक कर देना। उसके बाद में आपको अपने यहाँ पे डिटेल सेंड करनी है। आप चाहो तो अपने घर से भी ये फिल करके जा सकते हो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना। तो एडमिट कार्ड, मास्क तो आप लगा के जाओगे, सैनिटाइजर भी रख लेना, ग्लव्स आपके लिए ज़रूरी है, आपको रखना है तो रख लो, अगर आपको लग रहा है यार कि थोड़ा प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन भर देते हो, तो आपको आरोग्य सेतु की जरूरत नहीं। आई सजेस्ट कि यार आरोग्य सेतु रहने दो, सेल्फ डिक्लेरेशन भर दो, क्योंकि क्या है कि यार आरोग्य सेतु में क्या होगा, पहले फोन दिखाओ, फिर फोन सबमिट करने आओ लाइन में, बाहर लाइन से बाहर निकल के, इतना काम क्यों करना? सेल्फ डिक्लेरेशन भरो ना, बस बहुत है। ठीक है, हमको थोड़े ना दिखाने हमारे पास कौन सा फोन है कौन सा नहीं है, है कि नहीं? चलो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे भाई, पेपर कैसे अटेंड करें। तो आरआरबी के जब हम पेपर की बात कर रहे हैं, सो दो ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, रीजनिंग क्वार्ट, और जहाँ तक है जो आपका एक सीक्वेंस रहेगा वो भी यही रहेगा। रीजनिंग के सेम 40 क्वेश्चंस, क्वांट के 40 क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस, और दोनों के लिए हमको देखने को मिल रहा है 45 मिनट। अब इसको कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे एग्जाम में? देखो, आई सजेस्ट कि पहले रीजनिंग उठाना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर रीजनिंग सब स्टूडेंट्स की अच्छी होती है और आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हो स्टार्टिंग के 22 मिनट अराउंड। ठीक है, 22 से आप 24 मिनट अराउंड रीजनिंग को दे देना। इतने टाइम में आपको रीजनिंग करनी है और कंटिन्यूस करोगे आप। ठीक है, आपको ब्रेक नहीं लेना है। देखो यार, मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, पेपर में एक पजल डेफिनेटली ऐसी होगी जो आपको कहीं ना कहीं एकदम से मतलब बीच में स्टक करेगी करेगी। ठीक है, लेकिन एक बात और है, अगर आप ये सोचो भाई पहले मिसलिनियस कर लेते हैं फिर जाके पजल्स करेंगे, तो यार ये थोड़ी सी गलती है। एंड में जाके कभी भी पजल का प्रेशर नहीं लिया जाता। जो टफ काम आप आज नहीं कर पा रहे हो, तो वो टफ काम आप लास्ट मिनट पे थोड़ी ना कर लोगे, अगर जो चीज़ आपको टफ अभी लग रही है। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि फर्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू लेके चलना। ठीक है, एकदम पहले क्वेश्चन से लेके चलना। जब पहले क्वेश्चन से आप लेके चलोगे ना रीजनिंग को, तो उसके बाद में हर क्वेश्चन में आपको फील होता चला जाएगा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फील उन्हीं को होगा भाई जिन्होंने पढ़ाई करी होगी। अब कोई पजल ऐसी भी आएगी तो आपको 30 से 45 सेकेंड में अगर फील हो गया कि वो पजल नहीं बन रही है, भाई लीव कर देना उसको और आगे बढ़ जाना। क्लियर एवरीवन? अब आपके पास में बचेगा, और ज़्यादा मान लो अगर 22 मिनट में आपके 35 क्वेश्चन हो पाए, 5 देखे नहीं है, तो मत देखना उनको। ठीक है, रीजन मैं इसलिए दे रही हूँ स्टार्टिंग में, इसलिए अगर देखो अगर आपको लग रहा है कि वो 5 क्वेश्चन सिंपल से है तो फ्री कर दो, मतलब आप 24 मिनट तक ले लो, पूरे के पूरे देख के फ्री कर दो कि हमने 40 देख लिए, हम रीजनिंग से फ्री हो गए। भाई आपको पता है सेक्शनल भी निकालनी है तो क्वांट भी जरूरी है बहुत ज़्यादा, और ओवरऑल भी क्वांट के थ्रू ही निकलेगी दोनों मिक्स होकर। सो क्वांट में आप बचे हुए 20 से 22 मिनट आराम से दे पाओगे। ठीक है, अब इस 20-22 मिनट में आपको करना क्या है, सबसे पहले भाई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ढूंढना, जल्दी करके फ्री करना। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और डीआई, इन चारों आपको वन लाइन से जहाँ जहाँ मिल जाए करते जाना, और वर्ल्ड प्रॉब्लम को वहीं की वहीं कर देना स्किप। आ गया समझ में? सबको स्किप कर देना है, पहले ये करना है। अराउंड डीआई आपकी 10 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी, नंबर सीरीज भी 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, और यहाँ तीनों 15 मार्क्स के होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक ना दे, 10 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन कर दे, ठीक है, और 15 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम। बट अगर आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन देख चुके,
10, 20, 25 यहाँ देख चुके, तो आप 65 क्वेश्चन देख चुके हो। अब 65 में से आप 55 प्लस स्कोर तो आराम से कर लोगे ना। मैं उम्मीद करती हूँ जितने बच्चे मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो 30 तो प्लस ही करके आएंगे, नहीं तो 30 तो उनका रहेगा। और क्वांट में भी आप डेफिनेटली 22-25 तक स्कोर पहुँचा सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग में हमें कोशिश करनी है, अगर क्वांट में कम रह रहा है तो रीजनिंग में कर लें। अब ऐसा तो है नहीं वर्ड प्रॉब्लम में 15 में से 15 ही आप सॉल्व ना कर पाओ, 5-6 तो करोगे ना। तो अराउंड आप आराम से 55 से 60 एक अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक सेफ जोन के अंदर आ जाते हो, ठीक है। सो ये पीओ के लिए। अब मैं अगर बात करूँ क्लर्क की, तो गाइस क्लर्क के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्लर्क के लिए दिक्कत क्या होती है भाई, क्लर्क में तो ये समझ लो अगर हम पिछली बार की कट ऑफ देखें कि एक तरीके से 80 सी कट ऑफ चली गई थी, है ना, नहीं तो 76-75 कट ऑफ थी। तो उसके लिए मैं अगर बात करूं तो भाई आपको रीजनिंग में भी 40 स्कोर करना ही करना है। पेपर इस लेवल का होगा कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन कर लोगे, और क्वांट में भी आप आराम से 35-30 तक स्कोर पहुंचाओगे, क्योंकि पेपर एकदम ईजी होगा, ठीक है। तो आपको ये रीजनिंग के लिए रखनी है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब बात करें आज क्या पढ़े भाई, आज कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन कर लो, स्क्वायर क्यूब का रिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है, अंडर रूट याद करो, टेबल्स याद करो, क्योंकि क्वांट के सिंप्लीफिकेशन में टेबल बहुत काम आती है। इसके अलावा प्लेस वैल्यूज याद कर लो, ठीक है। लास्ट टाइम पे बस ये है कि अगर आज एक मॉक देना चाहते हो तो उसको दे के जल्दी से एनालाइज कर लो। एक और चीज, अगर आज मॉक दे रहे हो तो बिल्कुल सिंपल देना, बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील मत करना अपने आप को, तो बिल्कुल सिंपल देना जिससे कि मोटिवेशन हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है एग्जाम देने की। दूसरी चीज, एग्जाम हॉल टाइम पर पहुंच जाना, लेट मत करना प्लीज, ठीक है, उल्टा 15 मिनट पहले पहुंचो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं मैंने। पहली तो किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना भाई, ईगोइस्टिक मत होना। मुझे मतलब पता है कि आप ईगोइस्टिक नहीं होगी। अटेम्प्ट कंटिन्यूस करो रीजनिंग में, लेकिन क्वांट में क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को पहले लीव करो, पहले और सब कुछ फिनिश करो। अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, ठीक है, अपना 100% दो, बिल्कुल नर्वस मत हो, अपने आप पे बिलीव रखो। डर लग रहा है, नर्वस होने तो यार लाजमी है। जब हम नॉर्मल 6-7 के पेपर देते थे तो भी हमारी हार्ट बीट्स बहुत तेज होती थी, या हम जिंदगी का एक तरीके से एक कॉम्पिटिशन पेपर देने जा रहे हैं तो हार्ट बीट्स बढ़ेंगी। उन्हें बढ़ने घटने दो, आपको हार्ट बीट से मतलब नहीं है भैया, वो तो घटती बढ़ती रहती है, उनको छोड़ो। आपको मतलब है कि आपको अपने आप पे भरोसा है, आपको अपना 100% देके आना है बस, ठीक है। एक्यूरेसी, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक्यूरेसी वालों को डेफिनेटली मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी का ख्याल रखना है भाई, तुक्काबाजी मत कीजिएगा कोई भी, कंटिन्यू अटेम्प्ट करना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। सो फाइनली ऑल द बेस्ट माई चैंपियंस, आप सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ रहना और अपना ख्याल रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सेफ रहना है। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव द एबिलिटी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, वट एवर इट इज, इजी और टफ, इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू। सो बी कॉन्फिडेंट एंड वर्क हार्ड टू गेट योर ड्रीम, ठीक है। वी विश यू ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी लर्नर। चलिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। कल सुबह मिलते हैं लाइव सेशन के साथ में, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा सब लोग मुझे बताओ जरा कि आपका पेपर कब कब है, तो मुझे भी पता चले भाई आप लोग कब कब पेपर देने वाले हो। मेरी शिफ्ट में किस किस का पेपर है मुझे वो भी बताओ, तो मैं रियल एग्जाम रिव्यू दूंगी, सेल्फ एनालिसिस करूंगी, तो मैं बताऊंगी आपको सेफ अटेम्प्ट क्या है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सारे डालें कि आपका एग्जाम कौन सी डेट पर है, कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी टाइमिंग पर है, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर।